अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, वो भी ढाबा स्टाइल में। और उसके लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डाल लिया है, उसके बाद मैंने जो है एक मीडियम साइज़ का जो प्याज़ है उसको कट कर लिया, और उसको मैं अब फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन सा उसका कलर जब आ जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उतनी देर में मैंने ये दाल माश ले ली है, 1/2 kg दाल माश ली है, उसके अंदर पानी डाल के उसको वॉश करके भिगो के रख देना है। ये जी हमारा स्मॉल शेफ़ भी आ गया है, जिसने हमारे साथ कुकिंग करना उसका मस्ट है। जब भी मैं कोई खाना बनाऊँ उसने आके एक दो दफ़ा स्पून ज़रूर स्टिर करना होता है। अच्छा, प्याज अभी लाइट गोल्डन हुए थे तो उसके अंदर मैंने टोमेटोज़ के जो है एक टोमेटो के 4 पीस करके रख दिए, और उसके और लिड कवर कर दूंगी। उसके बाद जो इसका स्टीम होगा उसी से इसका जो है ना टोमेटोज़ का छिलका जो है आसानी से हम रिमूव कर देंगे। और जो है स्पैचुला के मदद से हम लोग ये करेंगे कि उसका जो टोमेटोज़ हैं उसको जो है ना ज़रा हम लोग बीट कर देंगे ताकि वो जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, ये रेड चिल्ली पाउडर, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो चिली जाएंगे जो कि पाउडर नहीं है, और ये गरम मसाला, और ये थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर मैं। गरम मसाला, सारे गरम मसाले मैंने मिक्स करके खुद ही घर रखे हुए हैं तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ वो डालती हूँ। अच्छा, ये लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था वो मैंने डाल दिया। अब ये मैं हर दाल के अंदर किन्नौर का ज़रूर यूज़ करती हूँ, ये 1 क्यूब, मुझे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप अगर नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। एनी हाउ, लास्ट पे मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दी, और इस मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, अब जो मैंने दाल माश को भिगोया था उसका पानी निकाल दिया है, अब मैं उसको इस मसाले के अंदर मिक्स कर दूंगी। अब 2 मिनट मैंने इसको ऐसे रखा है, 2 से 3 मिनट, उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 कप जो है वो पानी डाल दिया है। इतना पानी डालना है कि आपकी दाल माश जो है ना वो पानी के साथ बिल्कुल कवर हो जाए, और इसको हमने 10 मिनट के लिए इसी तरह पकाना है। ये जल्दी बन जाती है दाल माश, इसको ज़्यादा देर भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इसी के साथ खाने में ही साथ ही बन जाती है। और ये हमारी दाल बनके तैयार हो गई फाइनल लुक। अभी इसको हम लोग जो है सर्विंग डिश में मैं निकाल लूँगी। ये इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी इसके, और बहुत ही मज़े की, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। सिंपल सा ढाबा स्टाइल में है कि सिंपल से सब कुछ डालो और दाल डालो और पका के मिर्च से परे कर दो। ये हमारी दाल की फाइनल लुक, इसको मैं कोरिएंडर के साथ जो है गार्निश करूँगी। ऑब्वियसली दाल के अंदर धनिया ना हो, इम्पॉसिबल। सो उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो गार्लिक भी डाल दिया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।